आप घर में चुपचाप बैठे रहे, बस यही करो आप लोग, कुछ नहीं कर सकते आप लोग। अगर मैं इसकी माँ को तो बोलो कॉम्प्लान भी पिलाए। आपका लाडला ठीक से खाता नहीं तो जरूरी पोषण और प्रोटीन कैसे मिलेगा? कॉम्प्लान पीजिए, फर्क देखिए। हेलो गाइस, गेमिंग एम्पायर के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि टाउन हॉल 13 फाइनली आने वाला है हमारे क्लैश ऑफ क्लैंस के, मतलब क्लैश ऑफ क्लैंस पे। मैंने पहले इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, बट उसमें बस मेनली यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या आने वाला है। बट गाइस, यहाँ पे मतलब इस वाले वीडियो पर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कौन सा न्यू हीरो आ सकता है, ठीक है? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मतलब मैंने कुछ यहाँ पे रिसर्च वगैरह किया, उसके बाद मुझे पता चला कि ये हीरो शायद आ सकता है। जैसे कि क्लैश ऑफ क्लैंस के ऑफिशियल वीडियो पे यहाँ पे कुछ हिंट दिया गया था कि यहाँ पे कौन सा हीरो आ सकता है, ठीक है? सो उसी के बारे में इस बार इस वाले वीडियो पे बात करने वाले। सो उसी के साथ यहाँ पे कुछ और चीज़ भी हम लोग करने वाले हैं, तो यार वीडियो देख लेना पूरा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यार अभी और ज़्यादा नहीं, यार डायरेक्टली वीडियो पे चलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो भाई सबसे पहले तो अगर आप लोग पहली बार आ रहे हो मेरे चैनल पे, तो नीचे जो सब्सक्राइब वाला लाल बटन है उसको ऊपर जाकर जल्दी से जल्दी क्लिक कर दो, जिससे कि आप लोगों को क्लैश ऑफ क्लैंस रिलेटेड एक छोटे से छोटी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो यार यहाँ पे तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे एक क्लैन में है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं कुछ दिन से अलग अलग क्लैन में जा रहा हूँ। और नॉर्मली मैं ऐसा ही करता हूँ, CWL के टाइम में बहुत सारे क्लैन में जाता हूँ, उन लोगों के अटैक्स वगैरह देखता हूँ, एंड जितना हो सकता है उतना उन लोगों के अटैक्स को मैं रिकॉर्ड भी करता हूँ, जैसे कि मैं अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है? सो ये आई थिंक बढ़िया चीज़ है। तो यार आप लोग भी बोलो, अगर आप लोग आपके क्लाइंट में भी यहाँ पे अच्छे अच्छे अटैक्स हो रहे हैं CWL में, सो आप लोग मुझे इनवाइट कर दो। मेरा टैग तो आप लोगों को पता ही है, और अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टैग है, वहाँ से मुझे अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे इन्वाइट कर सकते हो, ठीक है? तो यार ये मैं कहाँ चल गया, अरे भाई साहब मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ, फिलहाल तो अभी लीक्स के ऊपर बात करते हैं, ठीक है? तो यार यहाँ पे लीक्स वगैरह, यहाँ पे मतलब मेनली हीरो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक नया हीरो आने वाला है टाउन हॉल 13 में। जैसे कि टाउन हॉल 9 पे टाउन हॉल 7 पे सबसे पहले किंग अनलॉक होता है, उसके बाद टाउन हॉल 9 पे आर्चर क्वीन, टाउन हॉल 11 पे हम लोगों को मिलता है ग्रैंड वार्डन। उसी हिसाब से टाउन हॉल 13 पे न्यू हीरो मिलने वाला है, ये तो यार कन्फर्म है। एंड कल की जो क्लैश ऑफ क्लैंस का ऑफिशियल वीडियो था उसमें भी हम लोगों को एक छोटा सा लीक दिया गया था, जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ था, जो हम लोगों को बिल्डर था, बिल्डर यहाँ पे था, बट उसके बाद यहाँ पे बिल्डर का मुंह को यहाँ से, मतलब बिल्डर का फेस यहाँ से गायब हो गया, कट हो गया यहाँ पे पिक्चर, ठीक है? तो ये क्यों था, एंड उसी के साथ यहाँ पे कुछ और हिंट दिया गया है यहाँ पे कि मतलब यहाँ पे देखो वार्डन के पीछे यहाँ पे एक अलग सा हीरो है जिसको हम लोग का हाइड किया गया है, ठीक है? यहाँ पे देखो ब्लू कलर का यहाँ पे स्किन है, ठीक है? ब्लू कलर का स्किन है, एंड उसका आई वगैरह भी यहाँ पे, मतलब आइज वगैरह, सॉरी आइज क्यों बोले, यहाँ पे ईयर वगैरह भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? सो देख ही सकता। तो मतलब मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि ये क्या हो सकता है, उसके बाद मुझे क्या पता चला, आप लोगों को पता, मतलब बोलता हूँ अभी कौन सा हीरो आ सकते। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मतलब अपने सुपर सेल बहुत सारे टाइम्स ऐसे करते हैं कि इस गेम के कुछ ट्रूप्स उस गेम में ले जाते हैं, मेनली सीजनल करते हैं, बट आई थिंक इस बार परमानेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग अगर क्लैश रॉयल खेलते हो तो क्लैश रॉयल पे एक यहाँ पे ट्रूप है जिसका नाम यहाँ पे मैजिक आर्चर, ठीक है? सो मैजिक आर्चर को आप लोगों को पता है, यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कैसा दिखने में होता है। सो आई थिंक न्यू हीरो यहाँ पे मैजिक आर्चर की तरह हो सकता है, ठीक है? मैजिक आर्चर की तरह हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे बोलो क्यों हो सकता है, यहाँ पे देखो मैजिक आर्चर का यहाँ पे जो मतलब ऊपर का देख सकते हो ना गाइस, यहाँ पे कैसा दिखने में हो रहा है यहाँ पे। एंड जो हम लोगों को छोटा सा लीक मिला था उसमें भी देखो साइड पे यहाँ पे एयर दिख रहा है, उसी के साथ यहाँ पे एयर रिंग भी दिख रहा है, जैसे कि नॉर्मली मैजिक आर्चर में भी सेम ऐसा ही होता है, ठीक है? अगर आप लोगों ने यहाँ पे मैजिक आर्चर का यूज़ किया क्रैश रॉयल में, सो आप लोगों को पता होगा कि ये दिखने में कैसा होता है, इसको आप लोग कैसे यूज़ कर पाते हो, ठीक है? सो यार मुझे भी यही लगता है कि यहाँ पे मैजिक आर्चर हो सकते, बट यहाँ पे इसका नाम मैजिक आर्चर नहीं होने वाला है, आई थिंक यहाँ पे नेम अलग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सेम नाम मुझे नहीं लगता यहाँ पे नाम सेम होने वाला है, मतलब कुछ यहाँ पे मिला के क्लैश रॉयल के साथ कुछ मिला के यहाँ पे ट्रूप आने वाला है, बट मुझे नहीं लगता इसका नाम मैजिक आर्चर होने वाला है। एंड इसके साथ अगर आप लोगों ने इस वीडियो को गौर से देखा होगा तो बहुत सारे टाइम हम लोग यहाँ पे बिल्डर को दिखाया गया है, ठीक है? जो हम लोग का बिल्डर है, बिल्डर का एंड बिल्डर के हथेरों के, उसी के साथ यहाँ पे जो हॉग राइडर दिखाया गया था ना गाइस, यहाँ पे हॉग राइडर के हाथ पे भी यहाँ पे हथौड़ा दिखाया गया था, जो कि यहाँ पे सर्कल किया गया था उसके ऊपर से, ठीक है? उसी के साथ यहाँ पे एक समय दिखाया गया था कि बिल्डर यहाँ से हमारे बेस से साइड पे जा रहा है, मतलब उसके हथौड़े को लेकर। एंड उसी के साथ यहाँ पे और बहुत सारे टाइम से, जैसे कि पहले ही दिखाया गया था कि यहाँ पे बिल्डर के हाथ पे हथौड़ा, मतलब वीडियो पे बहुत सारे टाइम्स हम लोगों को हथौड़ा दिखाया गया। तो इसका मतलब ये हो सकता है जो हम लोगों का यहाँ पे न्यू हीरो आ सकते हैं उसके हाथ में हथौड़ा हो सकता है, ठीक है? सो इसको भी मैंने यहाँ पे थोड़ा रिसर्च किया, उसके बाद मुझे यहाँ पे पता चला एक यहाँ पे मतलब बहुत दिन पहले से यहाँ पे यूट्यूब पे एक दो कॉन्सेप्ट हुए थे जिसका नाम यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पिक्चर। सो इसका नाम सब लोगों ने बोला था थीफ, ठीक है? सो ये वाला भी एक हीरो का कॉन्सेप्ट है, बट इसके हाथ में भी देखो यहाँ पे हथौड़ा है, ठीक है?
सो हो सकता है कि जो हम लोग का न्यू हीरो आने वाला है वो यहाँ पे मैजिक आर्चर की तरह होने वाला है एंड इसके हाथ में यहाँ पे हथौड़ा होगा ठीक है। जैसे कि मैजिक आर्चर के हमें हाथ में यहाँ पे मतलब जो हम लोग आर्चर नॉर्मली जैसे यूज़ करते हैं यहाँ पे सो वैसा होता है ठीक है। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई किया जाएगा एंड यहाँ पे इसके हाथ में यहाँ पे हथौड़ा दिया जाएगा ठीक है। एंड गाइस इसका नाम तो यार मैजिक आर्चर नहीं होने वाला है, इसका नाम यहाँ पे कुछ अलग होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है थीफ, तो हो सकता है यहाँ पे थीफ हो सकता है। तो अगर इसका नाम थीफ हुआ तो इसका स्पेशल एबिलिटी क्या होने वाला है ठीक है। सो मुझे लगता है इसका स्पेशल एबिलिटी जैसे कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे मैंने थोड़ा देखा, सो इसका स्पेशल एबिलिटी ऐसा हो सकता है कि आसपास के जितने भी बिल्डिंग्स है बिल्डिंग से ये थोड़ा हिट पॉइंट्स मतलब कलेक्ट करेंगे या फिर कुछ पावर वगैरह कलेक्ट करेंगे। ऐसा जो मतलब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिखाया गया तो उसमें ऐसा दिखाया गया। सो अब तक तो यार ये कन्फर्म नहीं है बट मुझे जितना लगा है यहाँ पे कि ऐसा हीरो हो सकता है सो वैसे ही मैंने आप लोगों से शेयर किया है। तो गाइस आप लोग बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये क्या मैंने यहाँ पे सही बताया या नहीं ठीक है, आप लोग बताओ। एंड उसी के साथ गाइस अगर आप लोगों को लगता है कुछ और आ सकता है तो उसके बारे में मुझे बताओ। एंड अभी से यार नॉर्मली यहाँ पे अभी से मैं टाउन हॉल 13 के ऊपर वीडियो देने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लिख्स है टाउन हॉल 13 के ऊपर जो कि मैं एक एक वीडियो करके यहाँ पे कवर अप करूँगा। जैसे कि आई थिंक यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो पे यहाँ पे बिल्डिंग एंड साथ में यहाँ पे टूल्स वगैरह के ऊपर बात करेंगे, उसी के साथ यहाँ पे न्यू सीज मशीन के ऊपर बात करेंगे, बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स है सबके बारे में हम लोग बात करेंगे ठीक है। सो गाइस थोड़ा सा पेशेंस रखो एंड यहाँ पे नोटिफिकेशन को यहाँ पे ऑन करके रखो सब्सक्राइब करके, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरे वीडियो का। सो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करो। आज के वीडियो के लिए एम रखते हैं हम लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे एम रखने वाले 151 लाइक्स के लिए ठीक है। सो आई होप आप सब लोग मिलकर 151 लाइक्स यहाँ पे कंप्लीट करवा दोगे, तो यार देखते हैं अभी क्या होता है ठीक है। सो आज के वीडियो के लिए इतने यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।